अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो कैसे हो, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको इस तरह की वीडियो एडिटिंग करना सिखाएंगे जैसे कि आप रिव्यू में देख रहे हैं। इस तरह की वीडियो एडिटिंग आप भी कैसे कर सकते हो अपने VNF वीडियो एडिटर के अंदर। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आपको इस तरह की वीडियो एडिटिंग करना सिखाते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना VNF को ओपन कर लेना है। VNF ओपन करने के बाद सिंपली आपने करना क्या है, तो आपके सामने अगर ऐड आए तो स्केप कर दें ऊपर से। तो सिंपली आपने यहाँ ब्लू ऑप्शन पे क्लिक करना है। ब्लू ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे आना है। न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे आने के बाद सिंपली आपने अपनी गैलरी में से कोई भी वीडियो या फोटो ले लेनी है जिसके ऊपर आप वीडियो बनाना चाहते हैं। तो उसके बाद सिंपली आपने करना क्या है, तो सिंपली आपने ऊपर आना है जहाँ रीजनल के ऑप्शन से, जहाँ से आपने इसका साइज सेलेक्ट करना है। जो सा आप साइज रखना चाहते हैं आप वही साइज सेलेक्ट कर लें। तो जैसा कि मैं जहाँ से ये वाला साइज सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद फिंगर की मदद से सिंपली आपने वीडियो का थोड़ा सा नीचे ले आना है ऐसे। तो वीडियो नीचे ले आने के बाद सिंपली ये हमारी वीडियो इस तरह से हो गई है, आपके सामने ही है। उसके बाद वीडियो के आखिर पे आना है। वीडियो के आखिर पे आने के बाद VNF की एंडिंग को डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद सिंपली आपने करना क्या है, जहाँ से आपने PIP के ऑप्शन पे आना है, फोटो एंड वीडियोज़ के ऑप्शन पे आना है, गैलरी में आना है। नीचे आपको बॉर्डर प्रोवाइड कर दूंगा, सिंपली आपने वो डाउनलोड कर लेना है। तो सिंपली आपने सबसे नीचे आ जाना है, तो आपको बॉर्डर मिल जाएगा, आपने बॉर्डर को ऐड कर लेना है। तो सिंपली मैं अपना बॉर्डर ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद आपको चेक करवाता हूँ कि कौन सा बॉर्डर मैं ऐड कर रहा हूँ। तो सिंपली जहाँ से मैं ये वाला बॉर्डर को ट्राई करने वाला हूँ, तो सिंपली मैं इस बॉर्डर को ले लिया। उसके बाद इसको आपने खींच कर अपनी वीडियो के ऊपर एडजस्ट कर देना है, जैसे कि मैंने कर दिया इस तरह से। आपने एडजस्ट कर देना है, उसके बाद इसको खींच कर वीडियो के आग तक ले जाना है। वीडियो के आग तक ले जाने के बाद सिंपली आपने करना क्या है, उसके बाद आपने करना है, तो सबसे पहले आपने वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से फिल्टर के ऑप्शन पे आके कोई अपनी मर्जी का फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको जहाँ मुख्तलिफ किस्म के फिल्टर मिल जाते हैं, अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहें आपकी मर्जी है, लेकिन आपको मैंने बता दिया जहाँ आपको अच्छे अच्छे फिल्टर भी मिल जाते हैं। तो सिंपली आप देख लें आपको जो सा फिल्टर अच्छा लगता है, तो सिंपली आपने वही फिल्टर अप्लाई कर लेना है। सिंपली मैं कोई करने वाला नहीं हूँ, मैं रीजनल ही रखूँगा। उसके बाद आपने करना क्या है, जहाँ आपने ऊपर टैक्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है, टैक्स एंड सब टाइटल के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपने उर्दू कीबोर्ड को अप्लाई करना है। उर्दू कीबोर्ड के अंदर आपने अपने लिरिक्स लिख कर रख लेने हैं। उसके बाद ऐप के ऑप्शन पे आना है, यहाँ से आपने अपनी मर्जी का कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट अप्लाई करना है। तो जहाँ से अच्छे से फ़ॉन्ट आपको मिल जाते हैं, सिंपली मैं ये वाला फ़ॉन्ट अप्लाई करूँगा। जहाँ आपको एक और चेक करवा देता हूँ, तो ये फ़ॉन्ट भी अच्छा है, तो सिंपली आपकी मर्जी है, ये वाला फ़ॉन्ट भी अच्छा है, तो सिंपली मैं ये वाला फ़ॉन्ट अप्लाई करूँगा। उसके बाद आपने यहाँ आगे आना है कलर के ऑप्शन पे, जहाँ से कलर अपनी मर्जी का कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी जो करना चाहें कर सकते हैं। तो सिंपली हम जहाँ से येलो कर लेते हैं, जहाँ से आपको मुख्तलिफ ही मिल जाते हैं, जहाँ से आपने प्योर येलो कर देना है। प्योर येलो करने के बाद नीचे से टिक लगाएंगे, उसके बाद अगर स्ट्रोक देना चाहें तो दे सकते हैं, तो हम इसको साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं स्ट्रोक का। शेडो देना चाहें वो भी दे सकते हैं। आगे आएंगे तो यहाँ से आप स्पेस वगैरह कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने करना क्या है, उसके बाद आपने ओके करना है। ओके करने के बाद इसको खींच कर वीडियो के आखिर तक ले जाना है। वीडियो के आखिर तक ले जाने के बाद सिंपली आपने इसको, जहाँ आपने लिरिक्स लिखना है, आपने वहाँ इसकी एडजस्टमेंट कर देनी है। जहाँ आना है एनिमेशन के ऑप्शन पे, जहाँ से आपने अपनी मर्जी की एनिमेशन सेलेक्ट कर लेनी है। तो जहाँ से हम अपनी मर्जी की फेड वाली सेलेक्ट कर लेते हैं या ये वाली सेलेक्ट कर लेते हैं, तो सिंपली फेड ज़्यादा अच्छी लगती होती है। सिंपली मैं फेड ही यूज़ करता हूँ, तो आप भी सोचते होंगे कि ज़्यादा फेड वाली यूज़ करता है, आपकी मर्जी, आप जो से करना चाहें आप वो ही कर सकते हैं। जैसा कि ये वाली भी अच्छी है, लेकिन मैं फेड ही यूज़ करूँगा। तो सिंपली उसके बाद आपने अप्लाई टू ऑल कर देना है। उसके बाद इसको प्ले कर कर सुनना है, जहाँ से आपके जो लिरिक्स खत्म हो रहा है वहाँ से आपने कट करना है। आगे वाले के ऊपर क्लिक करना है, एडिट के ऑप्शन पे आना है, इसको रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद सिंपली आपने इसी तरह से अपने सभी लिरिक्स ऐड कर लेने हैं। तो सबसे पहले आप लिख कर रख लें,
उसके बाद आप ऐड कर ले। तो सिंपली मैं भी इस तरह के लिरिक्स पहले इस तरह की वीडियो वॉच करता हूँ, देखता हूँ, देखने के बाद फिर इस तरह के लिरिक्स अपने उर्दू कीबोर्ड के अंदर लिख लेता हूँ, उसके बाद जल्दी जल्दी से अप्लाई कर कर आपके सामने इस तरह से वीडियो बना लेता हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट करते होते हैं, बिलाल भाई आप अपना कीबोर्ड के बारे में बताएं। कीबोर्ड की भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे लगाई हुई है, आप सिंपली उसको वॉच कर ले। मैं आपको बताता हूँ कि मैं जी बोर्ड कीबोर्ड इस्तेमाल करता हूँ, इसके अंदर लिरिक्स आप सेव कर सकते हैं। आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर होता है, अगर नहीं है तो सिंपली आप जाके प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आप प्ले स्टोर पे जाएं और जाके कि जी बोर्ड कीबोर्ड लिखे आपको मिल जाएगा, तो सिंपली आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। तो सिंपली मेरे मोबाइल के अंदर पहले ही मौजूद है, तो सिंपली मैंने अपने सभी लिरिक्स इसी तरह से ऐड कर देने हैं। तो आप अपनी मर्जी से अपने लिरिक्स अच्छे से म्यूजिक के साथ मैच कर कर इसको आपने एडजस्ट कर देना है। तो सिंपली मैंने ये एडजस्ट कर दिए हैं, तो सिंपली मैं अपना आखिरी अपना जो सा नाम होता है चैनल वाला जो लोग लगाते हैं अपना, तो जैसे कि मैं बिलाल राइट्स लिखा है तो आप अपनी मर्जी का कोई भी लिख सकते हैं। जैसे कि ये लिरिक्स आ रहे हैं बहुत ही प्यारे प्यारे, उसके बाद आपने करना क्या है, जहाँ से न्यू टेक्स्ट के ऑप्शन पे ही आना है, जहाँ से न्यू टेक्स्ट लेना है, उसके बाद आपने अपना ये नेम ले लेना है जो राइट वाला होता है, उसके बाद आपने नीचे जहाँ से इसका कोई अच्छा सा फ़ोन अप्लाई कर लेना है। ये फ़ोन बहुत ही अच्छा लगता है, उसके बाद मैं ये फ़ोन अप्लाई कर लेता हूँ। फ़ोन अप्लाई करने के बाद इसको आपने थोड़ा सा छोटा करना है, छोटा करने के बाद इसको आपने इसके नीचे रख देना है। तो इसका भी कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, अगर करना चाहें कर सकते हैं, अगर नहीं तो रहने दें। उसके बाद आपने फिर आना है ऊपर टैक्स के ऑप्शन पे, जहाँ से न्यू टैक्स लेना है। न्यू टैक्स लेने के बाद सिंपली आपने यहाँ से इमोजी सेलेक्ट कर लेनी है। इमोजी सेलेक्ट करने के बाद जहाँ से आपने फ़ोन के ऑप्शन पे आना है, जहाँ से कोई फ़ोन देख ले आपको जो सा अच्छा लगे, आप वही फ़ोन को अप्लाई कर लेना है। तो सिंपली आप यहाँ से इस तरह से कोई अच्छा सा फ़ोन अप्लाई कर ले, जहाँ से ये वाला फ़ोन भी अच्छा है इसको अप्लाई कर लेना है अपनी वीडियो के ऊपर। वीडियो के ऊपर अप्लाई करने के बाद सिंपली आपने करना क्या है, इसका साइज थोड़ा सा छोटा रखना है, अपना लिरिक्स को चेक कर लेना है, आपने इस लिरिक्स की इस साइड के ऊपर इसकी थोड़ी सी और छोटी सी एडजस्टमेंट कर कर आपने इसको एडजस्ट कर देना है। तो आपने ये देखने के आपके ये लिरिक्स के साथ टच ना हो, जैसे कि ये ऊपर है, उसके बाद आपने ऊपर क्लिक करना है, एनिमेशन के ऑप्शन पे आना है या लूप के अंदर आना है, जहाँ से कोई ब्लिंक वाली लगा दें या कोई आप अपनी मर्जी की लगा सकते हैं। तो यहाँ से मैं ब्लिंक लगा देता हूँ, ओके करता हूँ। ओके करने के बाद सिंपली हमारी वीडियो ए टू जेड बनकर तैयार होगी। उसके बाद आपने अगर इसके ऊपर वो स्नो वाली वीडियो लगानी है, वो कैसे लगानी है, तो सिंपली आपने यहाँ पीआईपी एंड फोटो एंड वीडियोस के ऑप्शन पे आना है, तो गैलरी में आना है, तो नीचे आ जाना है, आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आपने वो नीचे डिस्क्रिप्शन से जाके इजीली डाउनलोड कर लेनी है। तो सिंपली आपको वो इस तरह से मिल जाएगी। सिंपली आपने सबसे पहले इसके वॉल्यूम को ज़ीरो करना है, ज़ीरो करने के बाद सिंपली इसको खींच कर अपनी वीडियो के ऊपर अप्लाई करना है इस तरह से। उसके बाद आपने आना है जहाँ आगे आपको मिल जाता है ब्लेंडिंग का ऑप्शन, जहाँ क्लिक करेंगे जहाँ से आपने चेक कर लेने हैं जहाँ आपकी वीडियो के ऊपर सूट करे आपने वही अप्लाई कर लेना है, स्क्रीन कर लें या लाइट इन कर लें, इन दोनों में से चेक कर लें आपकी वीडियो पे जिस तरह से सूट करे आपने उस तरह से इसकी एडजस्टमेंट कर लेनी है। तो जैसे कि मेरी वीडियो बनकर तैयार होगी, उसके बाद मैं ऊपर सेव के ऑप्शन पे आऊँगा, इसको सेव कर लूँगा अपनी गैलरी के अंदर। आई होप आपको मुझे मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।